जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो साथियों, हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, तो फटाफट कमेंट करके बताओ। सभी को कमेंट बताओ, मैं कमेंट यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है। कमेंट क्या आ रहा है सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ। फटाफट कमेंट करके बता दो क्या क्या चीज़ें पढ़े थे, ठीक है। सेंटेंस में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या बातें की थी, सेंटेंस में पिछले क्लास में क्या बातें की थी, फटाफट बताओ यार। सबको भी बताओ, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। जल्दी नहीं बताओ, मैंने बातें किया था पिछले क्लास में। सेंटेंस के पास तीन केस अराइज होते हैं। एक में होता है सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। दूसरा केस अराइज होता है जिसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। सभी को भी कमेंट देख पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो सभी को, ठीक है। फिर मैंने एक और केस के अराइज किया था जिसमें था सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही था, और ना सब्जेक्ट था ना ऑब्जेक्ट था। उसके बारे में बताया था कि क्यों सब्जेक्ट नहीं है, क्या फॉर्म होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। तो उस वीडियो लेक्चर को जाकर के देख लेना। यहाँ पे हम बात करेंगे सेंटेंस की टाइप। और आज बता रहा हूँ ना, अभी तक आपने इतनी गलतियाँ पढ़ी थी वो आज आपके दिमाग से निकल, कह रहा हूँ ना। ये वीडियो आप सेंटेंस को बताना, मैं सभी का कमेंट देखूंगा, आप सभी का कमेंट देखूंगा। आप सेंटेंस में इतनी धुआंधार गलती पढ़े हो ना टाइप्स के बारे में, तो बता नहीं सकता। मैंने खुद मैंने पढ़ा था जब मैं 10वीं में था, तब मैंने जब अच्छे प्रोफेशनल ट्यूशन पकड़ा तब मैंने समझा इसके बारे में क्या एक्चुअल में होता है। लेकिन आप भी करते हो कि मुझे कमेंट करना, मैं देखूंगा सबका। सेंटेंस का टाइप बताना, आप सेंटेंस का टाइप बताना, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग पता क्या क्या कमेंट कर रहे हो सब, आप लोग कहोगे सर असर्टिव होता है, निगेटिव होता है। अच्छा जी, यही होता है ना, असर्टिव बोलोगे, निगेटिव बोलोगे। मैं बताता हूँ, देखो आप कमेंट करोगे क्या कमेंट कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं असर्टिव होगा, निगेटिव होगा। बुक में भी यही लिखा है साथी, देख लेना, नहीं विश्वास है आप ऑक्सफोर्ड का भी उठा लेना, जितने भी छोटे मोटे जो प्रकाशन पब्लिकेशन का बुक है ना उनको उठा लेना, सारे ही में यही होंगे, नेगेटिव एसेटिव इंटरोगेटिव। लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रूफ एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है प्रूफ करके दिखाऊंगा। इंग्लिश पढ़ो तो उससे कनेक्शन समझो, बिना कनेक्शन के इंग्लिश तो फिर अगर अटवाने होता तो मैं कब के कितना सिलेबस खत्म कर दिया होता। अटवाना नहीं है, आपको सिखाना है, इंग्लिश सीखना है आपको, ठीक है। बातों समझना है पहले। आप कहोगे असर्टिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। आप कहोगे सर पॉजिटिव भी होता है, बहुत सारे हमारे बच्चे होंगे यार चलो मैं मान लेता हूँ। अब इसमें कुछ और तेज होंगे कहेंगे सर अफर्मेटिव भी होता है, चलो अभी मान लिया AFFIRMAIV। कुछ बच्चे होंगे कहेंगे सर ऑप्टेटिव को क्यों छोड़ दिया आपने, ऑप्टेटिव भी होता है, मैंने मान लिया आपको ऑप्टेटिव भी होता है OPTAIV। अब इसमें कुछ धुरंधर लड़के होंगे ना, वो कहेंगे सर एक्सलामेट्री कहाँ आई है, भाई ये भी लिख लो ना, आ जाओ तुम्हारा बात यही मान लेते, क्यों काटे आपका बात, आपको मयूस एक्सलामेटोरी, ठीक। आपका बात मैं काटूंगा नहीं, आपको उदा सोरी नहीं दूंगा। आप कहोगे सर एसेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सलामेटरी होता है, और कुछ भी होता है ऐड कर लो। क्या ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं? हम सेंटेंस की बातें कर लेते, सेंटेंस क्या होता है, लेकिन मुझे बताना सेंटेंस की टाइप ये होता है पहले बताओ, मुझे कमेंट करो। आप सब कमेंट कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे बताओ पहले ये टाइप्स ये होता है पहले, क्या ये असर्टिव होता है, क्या सेंटेंस का जो प्रकार असर्टिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी, और कुछ भी हो बुक में दिया मुझे पता नहीं क्या क्या होते, वो सारे ऐड कर लो। और भी होते हैं, यही सब होते हैं ना, आप बोलोगे यही सब होता है ना, आपको यही सब होता है ना, बताओ मुझे, मैं हट गया फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। क्या ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है मुझे बता दो, बताओ जल्दी से, मुझे जानना है साथियों, आपकी कमेंट का मैं वेट करता हूँ। ये टाइप्स होते हैं, लेकिन मेरी बात मानो, मैं कहूँ ना ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं होता है, मीन्स नहीं होता है। अब कहोगे सर अब आप नए पे आए हो मुझे बताने वाले, मैं इसको प्रूफ करूँगा ना साथियों, वेट करो, वेट करो ना, वेट एंड वॉच, समझो टाइप्स कौन कौन होते हैं, गलत क्यों है मैं बताता हूँ। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं होते, ये सेंटेंस का पार्ट है लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं होते। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक, देखो हम लोग इंग्लिश बहुत अच्छे आते हैं, हम सब इंग्लिश अच्छे बोल लेते, सबको इंग्लिश अच्छे समझते हैं, लेकिन इस पर ज़रूरत ये है ना, जैसे ये पेन बन चुका है लेकिन इस पर प्रिंटिंग ना हो, घटिया से कलर ना चढ़े, ये मार्केट में नहीं बिकेगा, रब बेकार माल है, वेस्टेज हो जाएगा। उसी तरह जैसे कंपनी से कलम निकलता है ना, स्क्रैच उच्क्रेच नहीं होना चाहिए, उसी तरह हमको काम ये करना ना, आपको सिर्फ पॉलिश लगाना, आपको इंग्लिश आता है लेकिन थोड़ा सा आपको पॉलिश कर देंगे ना तो आप बेहतर कर पाओ, समझना। बात की असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, आपने इसको बोला क्या, इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस से बहुत सारे बुक में भी दिया है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल सोचोगे तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं होता, क्या होता समझो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं।
मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, मैं बात करूँ अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की साथियों, देखो कौन कौन सा होता है समझने के प्रयास करना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला आता है सिंपल, अब कुछ दिमाग लड़का का खुला होगा, सिंपल होता है लड़का क्या होता है बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ में क्या होता है, सिंपल होता है। दूसरा बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप सबका। अरे साथियों सिंपल के बाद कंपाउंड, केमिस्ट्री पढ़े हो ना, केमिस्ट्री साइंस चैप्टर पढ़े हो साइंस क्लास का नाइन्थ क्लास में, कंपाउंड यानी कि यौगिक। सरका हमारा क्या होता है कंपाउंड, कंपाउंड यानी कि देखो पहले छोटा सेंटेंस पढ़ोगे उतनी से छोटा सेंटेंस तो सिंपल हो गया, और सेंटेंस बड़ा हो जाएगा ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा ना इतना, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। क्या बोलते हैं साथियों उसको कंपाउंड। प्रूव करूंगा ये क्यों गलत था, वेट करना। और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पर ना कॉम्प्लेक्शन के जटिल बहुत लेंदी वाला सेंटेंस, तो सेंटेंस के टाइप्स एक ये होते हैं, एक ये होते हैं, एक ये होते हैं। अब देखो ये क्यों मैंने कहा कि टाइप्स सेंटेंस नहीं होते, इसी पे चर्चा पूरी क्लास में करेंगे हम। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, आ जाओ, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा एक एग्जाम्पल ले लो, राम राम डज ठीक है, डज नॉट ठीक है ईट ए मैंगो। अब देखो ये सेंटेंस नेगेटिव है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे मुझे बताना राम आम नहीं खाता है यानी कि उसकी नेचर को शो करता है कि आम नहीं खाता, उसको क्या है नेचर को शो कर रहा है। राम क्या राम जाता है कि नेचर को बता रहा है, यानी जाता है कि नहीं जाता, उसको क्या करता है नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं होता है। वाह क्या बात है, यानी कि जो क्या कर रहा है भाव, यानी कि नेचर जो उसकी नेचर थी भाव थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलूंगा ले लो तुम अपडेटिव में गो देयर, ये क्या था मेरा डोंट गो देयर, डोंट सिट मत बैठो, तो मेरा क्या था एक नेगेटिव विचार था, यानी कि मेरा एक क्या था नेचर था, ये जो मैं बोला डोंट सिट हेयर ठीक है, मैं था नेचर एक विचार मेरा निकल रहा था। यानी कहने का मतलब ये जो असर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव पॉजिटिव अफर्मेटिव ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटिव और जो कुछ भी होते हैं वो नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं, यानी कि उस सेंटेंस की स्वभाव को देखो। यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या नेगेटिव, यानी कि इसकी नकारात्मक वाला, तो इसका नकारात्मक वाला नेचर, नेचर का मतलब समझते हो ना, तो प्राकृतिक यानी जो गॉड गिफ्टेड चीज हो, यानी कि इसकी स्वभाव जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैसा नेगेटिव फॉर्म में। जैसे मैं लिख दूंगा यहीं पे डज राम ईट मैंगो, यहाँ पे डज को पहले कर दूंगा, यहाँ पे लिख बोलूंगा तो डज राम ईट मैंगो, अब बताना क्या राम आम खाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसा पूछ इंटरोगेटिव फॉर्म में, आप पॉजिटिव सेंस में, ये क्या करे उसको क्या बोल सकते हैं नेचर को दर्शा रहा है, उसकी मतलब क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ वो क्वेश्चन टाइप से पूछ रहा है, सेंटेंस का टाइप्स नहीं होता, सेंटेंस का टाइप्स ये तीन होते हैं। आपको ये क्या बोलते हैं एडियंट का बुक्स उठा लेना, ये बड़े बड़े लेवल के बुक्स वहाँ मिलेंगे पढ़ने के लिए, सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स ठीक है। अब कुछ कुछ बुकों में ऐड किए गए हैं इसे ठीक है, ये जो सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स ये कुछ कुछ बुकों में ऐड किए गए हैं ठीक है। और ये क्या होता है आपके साथ नेगेटिव असर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव पॉजिटिव अफर्मेटिव ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी, ये नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं। लेकिन आपको काम ये करना पड़ेगा, लिखना होगा यहाँ पे फटाफट लिखो, मैं बोल रहा हूँ जो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ द सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, इसके बाद इसको नोट डाउन करो यहाँ तक ठीक है। और एक एग्जांपल इसका एग्जांपल है, ऐसे कर लेना नेचर ऑफ सेंटेंस, ये जो है आपका ये जो छः हैं दो चार छः सात हैं, कर लेना नेचर ऑफ सेंटेंस समझ गए। अब देखो सेंटेंस का हिंदी क्या होता है समझना, मैं कुछ और सिखाऊंगा ना, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है साथियों वाक्य ठीक है। अब मुझे बताना घर में जब दादाजी रहते हैं और पापा जी रहते हैं तो उसमें बड़े कौन होते हैं, दादाजी होते हैं ना, उसी तरह सेंटेंस बड़ा होता है ठीक है। मैं सेंटेंस को जानने से पहले हमें देखो एक चीज़ समझना, हमें यहाँ जाना है तो पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा ना, पर मुझे इस लेवल पर जाना है तो यहाँ पहले पहुँचना पड़ेगा, यानी कि मुझे सेंटेंस पढ़ने से पहले मुझे क्लॉज आना चाहिए, यानी कि उपवाक्य आना चाहिए समझो, मुझे सेंटेंस पढ़ने से पहले उपवाक्य आना चाहिए। तो ये फटाफट नोट डाउन कर लिए होगा तो फटाफट अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ठीक है, यहाँ पे ये फ्रीडम होता है, तो आप स्क्रीनशॉट करो या नोट डाउन कर लो ठीक। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा क्लॉज, क्योंकि आपको इस लेवल पर पहुँचने के लिए पहले इस लेवल से गुजरना पड़ेगा। चलिए आइए पहले हम वाक्य समझने से, क्योंकि मैं एक एक में बता दूंगा ना आपको, वो सर समझ ही नहीं पाया
ये सारे कैसे समझा दिए, तो आपको बिल्कुल शुरू से समझाते चलूँगा, सारे चीज़ शुरू से ही बताऊँगा, ताकि ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा जो आपको इंग्लिश सीखने से वंचित करे, वो चीज़ सिखाऊंगा जो आपके लिए सीक्वेंस हो, एकदम बढ़िया सब देखते रहना, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग क्लॉज की ओर चलेंगे, तो बने रहो। अभी कोई अच्छा अच्छा वाला इमोजी भेज दो भाई, लाल चेहरे पीले दिखा दो ताकि मुझे अच्छा लगे। चलो हम लोग कह बात किए कि सर सेंटेंस समझने से पहले हमें क्या समझना हो, क्लॉज को समझना, CLAUGH, क्लॉज बहुत बार सुने हो क्लॉज, और एक क्लॉज ऐसा चैप्टर है ना बहुत सारे बंदों को समझ में ही नहीं आता है। बढ़िया से समझोगे, बहुत आसान है, नहीं समझने का प्रयास करोगे ना, इतना जटिल है ना, समझ नहीं सकते फिर कितना जटिल है, समझ लो ना, तो इसको बढ़िया से समझने के प्रयास करना। पहली बात देखो, क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक, यहाँ पे हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो उपवाक, तो हिंदी अच्छी से नहीं लिख पाता हूँ देख लेना, कहीं गलती उलती हो जाए तो, उपवाक क्लॉज का मतलब उपवाक। उपवाक यानी कि बताना, राष्ट्रपिता जो बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता बड़ा होता है ठीक है, या प्रधानमंत्री संकेत में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनमें कंपेयर कर लो, प्रधानमंत्री बड़े होते हैं और मुख्यमंत्री छोटे होते हैं, उसी तरह सेंटेंस से छोटा, थोड़ा सा छोटा होता है क्लॉज। और क्लॉज किसे कहते हैं मुझे बताओ फटाफट, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दो सबको फटाफट, बता दो क्लॉज किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट सबकी देख रहा हूँ मैं, वहाँ पर कमेंट चल रही है यार, जल्दी जल्दी बता दो। देखो क्लॉज किसे कहते हैं, समझो क्लॉज होता है क्या है, क्लॉज मैंने बता दिया सेंटेंस से थोड़ा सा छोटा होता है, एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमने बात करते आ गए सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, रहता ही रहता है और वर्ब भी रहता है, तो सब्जेक्ट और प्लस वर्ब के मिलान को देहाती भाषा में लिखा हो बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, सब्जेक्ट और वर्ब के मिलन को यानी कि एक दूसरे के मिलन को ही क्लॉज कहते हैं, समझ लो सब्जेक्ट और वर्ब जब मिल जाएगा ना, यानी सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसी को क्लॉज कहते हैं, एक सब्जेक्ट होना चाहिए एक वर्ब होना चाहिए, तो क्लॉज कहते हैं, समझना, सब्जेक्ट और वर्ब के मिलन, हिंदी में लिखने रहा मिलन को क्लॉज कहते हैं, यानी कि क्लॉज कहते हैं, यहाँ पर क्लॉज निकलें, सब्जेक्ट वर्ब के मिलन को क्लॉज कहते हैं, समझ गए। अब देखो क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, अब मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, समय से कोई कमेंट देख रहा हूँ, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं मुझे बताओ, सबकी कमेंट देख रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ क्लॉज कितने प्रकार के। देखो क्लॉज एक्चुअली देखा जाए दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग भी बोलते हैं इसे बहुत सारे बुक वाले, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब देखो ये जो मेन क्लॉज होता है ना, समझने के प्रयास करना है, जो मेन क्लॉज होता है इसी को बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बोलता है, क्या बोलता है साथियों, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बोलता है बहुत सारे लोग, और इसी को बहुत सारे लोग पता क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्लॉज ही बोलते हैं, और इसको डिपेंडेंट, इसको सबऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं साथियों, डिपेंडेंट, यानी कि जो दूसरे पे क्या हो निर्भर, ये आजाद पंछी है, ये किसी पे निर्भर है, समझो। मेन घर में जो मेन होता है भाई, किसी से परमिशन लेता है कोई चीज़ करने के लिए, नहीं लेता है ना, समझना, घर में अगर तुम्हारे बड़े भैया हो तो वही जो चीज़ सब कुछ घर के मेन हो तो किसी से परमिशन लेता है, क्योंकि वो मेन है, तो खुद जो मेन होता है वो खुद से ही परमिशन काम कर लेता है, किसी और से पूछने की उसकी जरूरत ही नहीं होती है, ये मेन क्लॉज होता है ना अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है इसके पास, देखो जो मेन क्लॉज होता है इसके पास कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट CMPLETE कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है, इसके पास कंप्लीट मीनिंग होता है, और ये होता है ना बेचारा कि ना किसी से पूछना पड़ता है, इसको किसी ना किसी से सहारा लेना पड़ता है, ये थोड़ा बेचारा है, समझ रहे हो ना, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है बेचारा है, ये क्या है किसी ना किसी पर आश्रित रहता है, जैसे समझो एग्जांपल से समझो, ये वाला पार्ट उतार लिए हो ना, ये वाला पार्ट, इसे मैं थोड़ा रब कर दूँ, आ जाओ ऐसे रब करूँ तो बढ़िया से बता पाऊँगा, देखो हमने बात कर लिया क्या चीज़ का, दो प्रकार के क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज के पास क्या होता है कंप्लीट मीनिंग होता है, और सबऑर्डिनेट के पास क्या होता है कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है,
ये क्या होता है, इसके पास अनकम्प्लीट मीनिंग होते हैं। इसके पास क्या होता है, लिख लो क्या हो तो अनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है, इनकम्प्लीट, 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 ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, कम्प्लीट मीनिंग नहीं लेकर कहा था, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है। तो क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है, मेन क्लॉज के पास पूरा अधिकार होता है, इसके पास पूरा अधिकार नहीं होता, किसी ना किसी से बेचारा सहारा लेता है, क्या करे बेचारा है, तो किसी ना किसी से सहारा लेगा। अब आ जाओ मेन क्लॉज पे, मेन क्लॉज का कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे राम गोज गोज टू पटना, PATNA, ठीक है, राम पटना जाता है, इसमें आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है जो चीज आपसे वंचित हो, राम गोज टू पटना, यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, कुछ चीज आपसे छूट रहा, कुछ नहीं ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है भाई, यहाँ पे कहीं ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि किसी और चीज की यहाँ पर जरूरत हो, ठीक है, जिसका कंप्लीट मीनिंग है भाई, यहाँ पे इसका कंप्लीट मीनिंग है, यहाँ पे समझो पूरा कंप्लीट मीनिंग है, समझ लो ना, इसका कंप्लीट मीनिंग है, राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। अब यहीं पे एक और सेंटेंस लिखता हूँ, एक और सेंटेंस लिखना, इफ इफ यू ज्वाइन माय क्लास, इफ यू ज्वाइन माय क्लास, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा इफ यू ज्वाइन माय क्लास, यदि आप मेरे क्लास ज्वाइन करते हो, लग रहा है ना एकदम अंदर से उबाल आ रहा होगा कि क्या इसके बाद क्या होगा, अगर मैं क्लास ज्वाइन करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक कंप्लीट मीनिंग नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट जो पार्ट मैंने लिखवाया था ये कंप्लीट मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, समझ रहे हो ना, ये कंप्लीट मीनिंग को रिवील कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इफ यू ज्वाइन माय क्लास, यदि तुम मेरे क्लास ज्वाइन करते हो तो उसके बाद कुछ लग ना कुछ और जोड़ देती है थोड़ा हो जाए, अगर यही में कह दो इफ यू ज्वाइन माय क्लास देन यू लर्न, इफ यू ज्वाइन माय क्लास देन यू लर्न इंग्लिश, लर्न तब आप इंग्लिश सीख जाओगे, तब देन यू विल, यहाँ पे लिख लेना यू विल, ठीक है, देन यू विल लर्न इंग्लिश, तब आप अंग्रेजी सीख जाओगे, अगर मेरे क्लास ज्वाइन करते हो तो अंग्रेजी सीख जाओगे, तो अब इसका कंप्लीट मीनिंग हो गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या लगा हुआ था, इफ, क्या लगा हुआ था साथियों, इफ, यानी किसी ना किसी चीज को यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, इसको किसी न किसी वर्ड को इसकी जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कौन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये मेन क्लॉज जो होता है इसमें किसके पास क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, समझ गए साथियों, मेन क्लॉज के पास कंप्लीट मीनिंग होता है और जो आपका क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट के पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर समझा क्लॉज। अब इसके बाद में हम जो बात किए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो और टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लेना ताकि आपको क्या हो जाए PDF मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही साथियों, आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना होगा, कैसे ज्वाइन करोगे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ठीक है, तो वहाँ लिंक से जाकर ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च मारना PVR Study, ठीक है, क्या मारोगे PVR Study, ये सर्च मारोगे PVR Study, ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आ जाओ PVR Study, ये सर्च मारोगे टेलीग्राम में जाके, तो वहाँ ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि आपको क्लास की जो वीडियो का जो लिंक हो तो वहाँ भी डाला जाता है, साथ ही साथ आप वहाँ से वो लिंक पर जाकर उसको वीडियो देख सकते हो बार बार, फिर वहाँ पे आपको PDF भी मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत सारे वहाँ से बेनिफिट्स होंगे टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम आपको मस्ट है, नीड होना चाहिए कि आप ज्वाइन करो किसी तरह से भी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना ताकि आप रेगुलर वीडियो को देख सको, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।